इस प्रेम कहानी में इन दोनों का मिलन अब तक हुआ नहीं है, बाकी हमारा मन कहता है हमारे माधव कि ये दोनों एक दिन जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अरे हम सच कहलाओ हम माधव हमारी ललिया, अरे तुमली मैया इस हवेली की असली मालकिन, एक दिन जरूर आए। क्या झूठ बोलते रहते हो, ऐसे बोल तो मैं बोलते रहते हो, क्या है हमारी माई? अब इस बार बार बिल्कुल सच कह रहा है, कह रहा है। माँ ठकुराइन आज इतना सुंदर लग रही है, उनके मुखड़ा पर से अखिये नहीं हट रही है। जितना सुंदर अंदर से उतना ही सुंदर बाहर से भी लग रही है। अरे चलो देखो ठकुराइन आ गई। चलो ठकुराइन आ गई। धर्म कर रही है ससुरी, पकड़ा पकड़ा इका। हाय रे माय, काय करते, भूख लगी थी। हाय राम, अब इस लड़की का क्या होगा? ठकुराइन की सास बहुत कट्टर है। बहु, इका सजा तुम सुनाओगी। गलती हो गई, कृपा कीजिए, अब ना करेंगे। चुप, एकदम चुप। तमाशा करती है, भोलेनाथ की पवित्र थाली को हाथ लगाया है। बहु सजा सुनाओ। 20 20 कोड़ा की सजा तुम्हारे लिए नहीं, इपा हलवान के लिए कहे। बहु इका कह रही हो? वही जो सही है माजी। ए, डोलिया ले चलो। ए ठकुराइन, तनी हमरे बच्चे को भी आशीर्वाद दे दीजिए। ठकुराइन, हम और हमारे घर वाले चाह रहे थे कि बच्चा का नाम आप रखें। कोनो अच्छा सा नाम है तो बताइए ना। बाकी बच्चा का नामकरण करने का हक तो माए बाबू का ना होता है, हम कैसे रख देना? ठकुराइन कृपा कीजिए, पंडित जी दिन और तारीख देख के दो चार नाम बताए, वही में से कोनो नाम रख दीजिए ना। कौन कौन सा नाम बताए पंडित जी, बताइए तो वही में से कुछ चुन देते। केशव, शंभु, पीयूष और शेखर। और शेखर, और शेखर, तो कौन नाम रखी ठकुराइन? शेखर। बहुत ही कृपा ठकुराइन। हाय मीनू, ले कब से हम तुमको बुला रहे हैं, सुनी नहीं रही हो? अच्छा भाई गलती, माफ कर। हमने मस्तनी जी एक बात बताई है। क्या बताई है? कि अगर भगवान जी से कुछ बोलना हो या मांगना हो तो पतंग के लिए खूब ऊपर उड़ा दो, और फिर जब पतंग गायब हो जाए तो समझ लो कि हमारी कही हुई बात भगवान जी के पास पहुंच गई। तो जरा हमें तो देख, हमें बेटी रानी को क्या क्या चाहिए। ना ये नई साइकिल, नाचे वाली गुड़िया, बाकी ये सब सामान तो तुम्हारे बाबू तुम्हारे पापा भी तो ला सकते हैं।
फिर भगवान जी को कर्ज देने का क्या फायदा? पापा के पास इतना वक्त ही कहाँ है जो ने इतना सब कुछ बताया, इसलिए हमने सोचा कि भगवान जी सही कह देते हैं। अच्छा चलो, जब हम इतना सब कुछ मांग ही लिया तो माँ ऐसा करो तुम भी कुछ मांग लो हमारे साथ, मिल जाएगा। तू है हमारे पास, घर परिवार है, सब कुछ तो है, अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ती पतंग पे अपनी तरफ से भगवान जी को प्रणाम तो लिख दो। अच्छा चलो अभी पतंग उड़ाते हैं खूब ऊपर। कितना अच्छा होता जो हम हूं अपनी इच्छा आपको बता पाते, मीनू और आपके बीच एगो पतंग विश्वास बनकर तैर रहा है। ई जिंदगी और पिछला जिंदगी के बारे में आप हमको भी कोनो डोर थमा पाते।